go to youtube.com and subscribe to the adda 247 channel scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded press the bell button ada247 comment job in your pocket हाई फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अड से लिंक तो मैं वही यहाँ पर कम्युनिकेट भी कर रहा था वेल माई डियर फ्रेंड्स येस आई हैव गिविंग द लिंक ऑफ द फ्री द फ्री द हिंदू एडिटोरियल पी डी एफ और बेसिकली आज के जो दोनों पेजेस है एडिटोरियल वाले पेज नंबर एट एंड पेज नंबर नाइन उन दोनों का लिंक मैं आप लोग को दे दे चुका हूँ एंड आई होप दल ऑफ़ यू गॉट इट इज वेल Now, by the way, my dear friends, well, we are once again here with the Hindu editorial analysis, where we will analyze two of the very important articles of today's the Hindu editorial. And my dear friends, we are also going to solve comprehension-based questions and also solve a para jumble, by the way. And my dear friends, not only that, we will also take a look at the other very important articles of the Hindu editorials. Okay? So I hope that we are going to have a fun. We are going to have lots of fun. Let's take a look at the first slide. आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रेंड जो है एग्जामिनेशन में आजकल एजुकेशन बेस्ड पैसेजेस बहुत सारे आने लगे हैं एंड दैट इज वाई आई हैव पिकड दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल एंड मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है आगे चल के सो मार्क्स एंड लेट्स टेक वट इक्टली इज गिवन इन दिस now the use of moderation by the central board of secondary education while finalising class 12 marks under a delhi high court directive poses पोज इज द इमीडिएट क्वेश्चन ऑफ हाउ वेरियस स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन दैट हैव नॉट अडॉप्टेड द प्रैक्टिस वेल रिस्पॉन्ड वेल माई डीय नॉट सी सी बी एस ई जो है सी बी एस ई अक्सर मॉडरेशन के लिए जानी जाती है इनफैक्ट सी बी एस ई का अलग अलग बोर्ड्स होते हैं कई बार उसको हम ग्रेस मार्किंग भी बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो उतने मार्क्स नहीं ला पाया है जितना रिक्वायर्ड है कि उसको पास कराने के लिए तो कई बार उसको ग्रेस मार्क्स भी दे दिए जाते हैं ताकि उसका कोई ईयर ना खराब हो ओके okay भाई तो ऐसे भाई देखा जाए तो इसी

ये काफी चैलेंज वाली बात भी है भाई देखा जाए तो काफी चैलेंज वाली बात भी है कि बाकी के जो बोर्ड्स हैं अब देखो हर बेसिकली हर बोर्ड यही चाहता है कि उसके जो एस्पिरेंट्स हो उसके जो स्टूडेंट्स हो राधा वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे बाकी के बोर्ड्स के कंपैरिजन में राइट सो नाउ यू नो सी एवरी पर्टिकुलर बोर्ड वॉन्ट्स इट्स स्टूडेंट टू एक्सेल बेटर एंड एक्सेल मोर एंड परफॉर्म बेटर ऑफ अदर बोर्ड सोप्स काइंड ऑफ इफेक्ट विल बी डेर ऑन द दैट ऑल्सो विल हैव टू सी अबाउट इट हैप अब तक जो बताया है समझ में आपके आ गया है ठीक है भाई आगे समझते हैं नाउ वेल सम बोर्ड्स हैव ऑलरेडी पब्लिश द रिजल्ट्स विदाउट मॉडरेशन वाइल अदर्स विल रिजॉर्ट टू द प्रैक्टिस मेकिंग इट नेसेसरी फॉर कॉलेज अथॉरिटीज टू मेक ऑफसेट्स सेट वाइल फिक्सिंग एडमिशन क्राइटेरिया अब देखा जाए भाई तो कुछ बोर्ड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना मॉडरेशन के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और देखा जाए तो कॉलेज अथॉरिटीज को भी अपना क्राइटेरिया फिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी यहां पर यू नो सो सम बोर्ड्स बाय द वे हैव सम एजुकेशनल बोर्ड्स हैव ऑलरेडी पब्लिश द बोर्ड रिजल्ट विदाउट मॉडरेशन अदर्स आर गोइंग टू फॉलो इट एज वेल इन द फ्यूचर इन फैक्ट दे आर फॉलोइंग इट इज वेल बट वेल द थिंग इज दैट यू नो द कॉलेज अथॉरिटीज विल ऑल्सो हैव टू चेंज सम काइंड ऑफ सेटिंग्स सो दैट

Jada Indian education is concerned, and you know what? Every particular student, the reality.

Question number 1 for you so the use of moderation by the central board of secondary education while finalizing class 12 marks under a delhi high court directive now my dear friends what is the correct answer according to this particular question your time starts now 30 seconds hurry up guys quickly give me your answer what's the correct answer guys come on 20 seconds left एवरी वन मस्ट आंसर हरिया लास्ट टेन सेकेंड गाइज विवेक यूनिट रिलोडेड थ्री थू वन टाइम्स अप लग रहा है बहुत सारे लोग यहां पर भावनाओं में बह रहे हैं शायद इसीलिए वो जल्दी से जवाब नहीं दे पाए ना अ लॉर्ड ऑफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर इज वेल थोड़ा सा ये देखे थोड़ा सा दुख है इनफैक्ट Uh, well the question was the use of moderation by central board of secondary education while finalizing class 12 marks under a delhi high court directive option one says possess the delayed question of how various well, it was it doesn't possess the delayed question. So option one is wrong. Now, option two is possesses the immediate question of how various state boards of education that have not adopted the practice will react. Well, this was not exactly given, but yes, it was something like this only which what was given in the slide. Now, option three says possess the immediate question of how various state boards of education that have not adopted the practice will cope with it well my dear friends as such nothing like this was mentioned in the slides option 3 is wrong as well now option 4 is possess the immediate question of how various state boards of education that have adopted the practice well that have not adopted was there in the slides option 4 is wrong now option 5 is

you guys can give me the correct answer I hope that many of you opened your account like uh, Jyotsna and many other aspirants as well okay so question number two was the correct answer now option number two is the correct answer now let's take a look at question okay then at the next part of the article now across the board use of tools such as moderation also raises questions on the actual scores कई बार ऐसा होता है कि मॉडरेशन का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है और इनफैक्ट वो स्टूडेंट्स जो अच्छे खासे जिनका जिनका जो मार्क्स होता है से अगर किसी के 85 आए तो डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स मूड एंड अदर थिंग्स उसका वो 85 मार्क्स बढ़ा करके 93 भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि अगर टीचर को पसंद आ गया तो उसको टीचर जो है ज्यादा मार्क्स भी दे सकता है अब देखा जाए भाई इन एंड अमंग अदर थिंग्स तो देखा जाए तो कई बार एक्चुअल स्कोर जो उस स्टूडेंट ने अटेन किया होता है उससे ज्यादा भी उसको मार्क मिल जाता है तो कई बार थोड़ा ये मार्किंग के क्राइटेरिया पे भी सवाल उठाता है बोर्ड यूज ऑफ टूलो द स्टूडेंट गॉट नाइंटी मार्क्स ऑनिकुलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट लेट से टीचर इफ द टीचर लाइट दी हाइड राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट यू नो और इफ द थिंक दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट Must get more marks. So, you know, then the examiner can give that particular student 95 of 100 instead of getting 90. So, you know, so many a time there also raises questions on the way of marking by the examiners. Now,

जाए तो कई बार लोग हंड्रेड 100 100 हैं इनफैक्ट सीबीएसई में भी और बाकी सारे बोर्ड में भी ओके okay? मतलब अगर कॉमन की बात करें तो क्यों और ऑन 100 100 को तब मिलते हैं जब उन्होंने एग्जैक्टली exactly वही लिखा होता है जो उनको टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया होता है ठीक है यानी कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे थोड़ा क्रिएटिवली अपने का तो उसको उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं उसको उसके लिए मार्क्स मिलते हैं जो जैसा एग्जैक्टली exactly बुक में लिखा होता है तो एक तो क्रिएटिविटी ऐसे ही मर जाती है हमारे क्लास टेन एंड ट्वेल्थ के बोर्ड में अब देखा जाए दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि भले ही क्लास में चाहे जैसे उसको समझा जा रहा होगा तब भी उसका मार्क्स अच्छे ही आएंगे या सुपर भी आएंगे डिपेंडिंग ऑन उसने कितने अच्छे से इनफैक्ट हमारा जो बोर्ड है वो ये टेस्ट नहीं करता है कि कोई स्टूडेंट कितना एजुकेटेड है वो ये टेस्ट करता है कि उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है और वो कितने बादाम डेली खा रहा होता है राइट सो यू नो द थिंग इज दैट मेनी अ टाइम इट हैज बीन सीन दैट इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस नॉन क्वालिटिव सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस नॉट ओनली दीज टू बट नॉन क्वालिटेटिव सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड साइंस यू नो दे इनफैक्ट द स्टूडेंट्स गेट 100% marks, in fact, close to 100% marks in ICSC, CBSC, or other boards as well. Now, the thing is, See why is that happen? Because the thing is, see, when the aspirants, when the students' uh, mark sheets have been evaluated, it was found that the guys who actually topped in English and other in and other non government subjects, you know, they actually see what they wrote the same. You know, they wrote the same what was written in the textbook. So that's why they got full marks. Okay, and the thing is, see, that's the problem with our system. Our system does not actually evaluates the education of a child. It evaluates the memory.

पार्टली टू ऑपेट दम्बिगुटी ऑफ क्वेश्चन एंड एनी एयरस एंड टू अचीव पार एंड टू अचीव पारिटी इन द इलुएशन प्रोसेस एंड दिन पास परसेंटेज अब देखा जाए भाई तो जो मॉडरेशन ऑफ मार्क्स होता है सी बी एस ई के अंडर इसको इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि जो क्वेश्चन हो इनफैक्ट क्वेश्चन में कोई अगर गलतियाँ हो तो भाई देखा जाएगा छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो उसको इग्नोर करके जो है बराबरी ले ले आई जा सके अलग अलग बेसिकली मतलब एनुअल पास परसेंटेज में You know, so perhaps the moderation of marks under the CBSC uh, policy has been followed so as to just do out some minor errors, you know, and to achieve equality or parity in the evaluation process and the annual pass percentage of any particular students. Now, well, dekne, the central board recently decided to do away with the practice the con in consultation with state boards and sought द असिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू मेक अ कंप्लीट शिफ्ट हालांकि हाल ही में बात यह कि सेंट्रल बोर्ड जिसके लोग यहां बात कर रहे हैं उसने बेसिकली उसने ये डिसाइड किया था कि इनफैक्ट कि ये जो मॉडरेशन की जो चीज़ है जो मॉडरेशन ऑफ मार्क्स है इसको नहीं किया जाएगा और इसके लिए कंसल्टेशन विद द स्टेट बोर्ड भी उसने कोशिश करी है कि जो बाकी के स्टेट बोर्ड्स हैं उसके साथ भी इसके बारे में जो है परामर्श लिया जा सके या उनका परामर्श भी लिया जा सके उनसे कंसल्ट भी किया जा सके साथ ही में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसकी भी हेल्प लेने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा ताकि पूरा बदलाव लाया जा सके ओके So, the thing is, the central boards, by the way, the central board of education is trying to do away with this particular practice, you know, and it is actually in consultation with the state boards and it has also sought help of the HR ministry, of the HRD ministry to make a complete shift. Now, my dear friends, uh, see. ओके आई सपोज कुछ लोगों को यहाँ पर शायद बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है बट देर इज नो बफरिंग सेज अदर सो गाइज आई थिंक योर पर्टिकुलर हो सकता है कि आपका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जियो जियो मत करते रहा करो कई बार वो काम नहीं करता है एनी वेज सो अब देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आया होगा एंड यू वुड हैव गॉट द थिंग एज वेल मैं हाँ मैं कहना ये जा रहा था जस्ट से कि देखो भाई ऐसा नहीं है कि दैट व्हेन आई वाज इन क्लास टेन तो आई टॉप माय क्लास इन इंग्लिश और इनफैक्ट या फिर मैं बहुत टॉपर स्टूडेंट था या मेरी इंग्लिश में बहुत नाइन्टी के ऊपर आए थे बोर्ड्स में बट हाँ ऐसा ज़रूर है कि uh, मेरे बहुत सारे ऐसे student, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि टेंथ में इंग्लिश में नाइन्टी के ऊपर पाए थे एंड यू नो वेन दे एक्चुअली स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम मी

Twenty seconds, guys, quickly, what's the answer? Now, ten seconds more, guys, quickly, what's the answer? Hurry up. Okay. all right so now the time is up by the way my dear friends and we have to give the correct answer we have to get the correct answer well oh, the question was in my satya hai konsa sahi hai now statement a is across the board use of tools such as moderation also raises questions on the actual scores all right well, uh no, well, that was true given the previous slide. Now, statement B says the central board recently decided to do away with practice in consultation with state boards. Yes, it did decide to do that. Now statement C says some boards have already published the results without moderation. Now, that is also true. So, all those of you, my dear friends, who chose option number four, all A, B, and C, you have done a good job because that is the correct answer. So, I think that's you have Option number four, choose kia confidently. They have done a good job because that is the correct answer, and with this.

बस इतना ही था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आई डी फ्रेंड्स नाउ विल वेरी सुन आउट द नेक्स्ट आर्टिकल बट आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा इस बाकी के आर्ट इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बाकी का पढ़ने के लिए यूज द लिंक दैर आई गेव टू यू यू नो आई गेव यू उस पर्टिकुलर आर्टिकल उस लिंक को यूज करो और वापस जाके समझो यू नो रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल अंडरस्टैंड इट एंड देन सेंड दे रेट एट दॉट कॉम नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल एंड हियर इट कम्स शॉकिंग कवर आप नाव भाई छुपाया गया है बहुत ही uh, कह सकते हैं शॉकिंग तरीके से लेकिन क्या छुपाया गया है वट एक्सैक्टली वट काइंड कवर अपट लेट टेक ए लुक एट द नेक्स्ट लाइट इन गुजरात तो अब देखा जाए भाई तो हमारे देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने सर्वेलेंस सिस्टम लगाए हुए हैं पूरे देश में अब देखा जाए भाई तो जीका वायरस का जीका वायरस का इन्फेक्शन आइडेंटिफाई uh, करने के लिए तो जो सिस्टम लगाया है हेल्थ मिनिस्ट्री में उसको बेसिकली वो बीप हुआ था नवंबर 2016 से फेबरी 2017 के बीच में गुजरात में यानी कि वायरस के केसेस मिले थे हेल्थ मिनिस्ट्री को नवंबर 2016 से फरवरी 2017 के बीच में गुजरात में बट द मिनिस्ट्री एक्टेड लेस देसिबिली बाय विद होल्डिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी लेकिन देखा जाए तो मिनिस्ट्री ने जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है बहुत ही अकलमंदी से काम नहीं किया इनफैक्ट इलॉजिकल काम किया और बहुत ही इनरेस्पॉन्सिबल तरीके से काम किया केयरलेसली काम किया उस जानकारी को बाकी किसी और को नहीं बताकर यू नो सो Now, see the surveillance system put in place. So ultimately, the surveillance system, you know, or the vigilance system put in place by the health ministry succeeded in identifying three adults, you know, infected with the Zika virus between November 2016 and February 2017 in Gujarat. Unfortunately, there was a careless mistake on the part of the health ministry because they withheld the information from everyone. Now, even with the even with the WHO or the World Health Organization. Well, even, okay, even the World Health Organization was informed about three cases as recently as May 15, more than five months after the first case was laboratory confirmed. Information regarding the cases came to light when the WHO posted the information on its website on May 26. अब in fact. तो डब्ल्यू एच ओ से भी ये बेसिकली जो जानकारी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी छुपाई गई थी जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री को तो उसको इमीजिएटली नोटिफाई करना चाहिए था इनफैक्ट डब्ल्यू एच ओ को ये जानकारी मे 15 को दी गई इनफैक्ट बेसिकली उस पर्टिकुलर जी का वायरस के बेसिकली जो पहला, पहला केस था उसके पांच मिलने के पांच महीने बाद बताया गया डब्ल्यूएचओ को इनफैक्ट सो बाय द वे ज़्यादातर लोगों को यह तभी सीका वायरस का जो केस हुआ इंडिया में वो तभी सामने आया जब डब्ल्यूएचओ ने अपनी वेबसाइट पर इसको पब्लिश किया ऑन मे ट्वेंटी नो so even the who was informed really late 5 months later in fact 5 months after the first case was identified you know was laboratory confirmed by the way and information regarding such this kind of a case actually came to light after the who updated on the information on its website on may 26 okay सो so, अब आगे समझते हैं यहां पर आगे देखते हैं आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा समझ में आ रहा होगा बैठ रहा होगा घबरायो नहीं भाई ठीक है ऐसा नहीं कि जो तो हमारे गुजराती स्पेंट्स है गुजराती फ्रेंड्स है वो डर के जाए डरना वरना नहीं बस मच्छर से बच के रहना दैट्स सेम थिंग दैट्स द ओनली थिंग नाउ

ये जो हरकत है ये काफ़ी चाइना के जैसे वाली हरकत है इसका मतलब ऐसा नहीं कि मतलब चाइना वाली हरकत तो मतलब मोमो बेचने वाली हो गया ऐसा नहीं है हर हरकत चाइनी वाली मतलब मोमो बेचने वाली नहीं होती है ठीक है देखो क्या है चाइना वालों ने भी एस ए आर एस ओके रेस्परेक्टरी सिंड्रोम था उसके बारे में 2003 में जानकारी छुपाई थी कि उनके कंट्री में इसके केसेस आ रहे हैं जिसके वजह से बहुत सारी कंट्रीज में फैलता चला गया एस ए आर एस और बहुत तगड़ा नुकसान हो गया था बहुत सारी कंट्रीज में और इसका अगर देखा जाए तो फिफ्टी जो जिम्मेदार है वो चाइना ही है और चाइना को बहुत क्रिटिसिज्म uh, भी झेलना पड़ा था दूसरी कंट्री से उसके इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से यू नो सो बाय डिस्कलोजिंग इनफैक्ट बाय हाइडिंग द इनफॉर्मेशन इन रियल टाइम इंडिया चाइना इन दिस पर्टिकुलर केस इनफैक्ट चाइना वे एंड चाइना वॉज वाइडली क्रिटिसाइज ऑल अराउंड ऑल्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ चाइना And it's in fact uh, it's fifty percent because of China that SAR are spread to other countries. I hope my dear friends he itna dimag hai, but he has a bad gya hoga. And now it's time to take a look at the Royal Rumble para Rumble. So guys, are you ready? Well, here it comes. Now, my dear friends, well A B C D E F. So you got a six sentence over here. So what is the correct answer? You got ninety seconds. Time starts now. Hurry up, guys. Hurry up. What's the answer? Seventy five seconds left, guys. What's the answer? Hurry up. Well, just 60 seconds left. What is the answer? Quickly. 45 seconds. Hurry up, guys. Come on, arrange it. लास्ट थर्टी सेकेंड्स एवरी वन हैज टू अरेंज इट ये नहीं कि बस एक दो बंदे ने अरेंज कर लिया तो हो गया काम सबको अरेंज करना है सबके लिए है तंदूर टूटे कमॉन काफ्ट कमॉन कावरी वन हैजू अरेन्ज एवरी वन मस्ट ट्राई टेन सेकेंड्स लेफ्ट कमॉन जितना बन पाए उतना बनाओ कोशिश करो डेली कोशिश करो कमॉन ओके सो लास्ट थ्री सेकेंड्स Two, one, time's up. Now it's time to take a look at the correct order, and the correct order is well, it is FACEDB. The correct order is FACEDB, my dear friends. Now, F is the surveillance system put in place by the health ministry succeeded. Succeeded in what? Well, A is in identifying three adults infected with the Zika virus between November 2016, okay, between November 2016 and and February 2017 in Gujarat, but the ministry acted less than responsibly by withholding the information from everyone. Now, even the World Health Organization was informed about three cases as as when as recently as May 15, more than five months after the first case was laboratory laboratory confirmed. Okay, then.

मतलब इनको जीका वायरस जो है इंडिया के अंदर ही अटैक किया है सी सी द द द द थिंग थिंग इज़ दैट दैट ऑफ़ ऑफ़ जीका वायरस इज एट प्राइम यू नो दैट इंडिकेट दे गॉट एफेक्टेड विद इन इंडिया ओनली ओके Uh, well, based on the local circulation of the virus, the WHO has warned that new cases may occur in the future, particularly as the Aedes aegypti mosquito that transmits the virus is widely found in India. Achha. अब देखा जाए यहाँ पर तो बेस्ड ऑन अब ऑब्वियस है कि लोकल सर्कुलेशन जो है जिस तरह का जो मच्छर है जो जीका वायरस को फैलाता है वो इंडिया में एकदम कह सकते हैं आप भर भर के मिलता है बहुत ज़्यादा इनफैक्ट हर जगह मिलता है और इसकी वजह से डब्ल्यू ने ये बोला है कि भाई देखो आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहना होगा सावधान रहना होगा सुरक्षित रहना होगा सावधान इंडिया देखना होगा और साथ ही में भाई अल्टीमेटली इस मच्छर से बच के रहिए बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा यह फैलता है और ऑब्वियस है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा यह पर्टिकुलर जीका वायरस वाला मच्छर मिलता है तो ऑब्वियस है कि जीका वायरस हो सकता है इनफैक्ट फ्यूचर में भी केसेस हो सकते हैं नाउ द थिंग इज दैट Uh, well based on the local circulation of the virus you know who has warned that this particular mosquito is found everywhere in india and that is why there can be lots of cases of zika virus as well if proper precautions are not taken now

जो है उन पे भी का वायरस का टेस्ट किया गया क्या ये जी का वायरस फैला रहे है कि नहीं साथ ही में इनफैक्ट देखा जाए तो इनको बेसिकली इनमें इस चीज का भी टेस्ट किया गया तो क्या कोई भी माइक्रोफिलिसिया अफेक्टेड तो नहीं है कोई भी जो ह्यूमन था 35000 तो था था में इनमें से कोई भी क्या माइक्रोफिलिस अफेक्टेड नहीं है माइक्रोफिलिज होता है ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है जो मदर होती है व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट यू नो शी गेट्स जीका अफेक्टेड ऑलराइट सो परहप सारे टेस्ट किए जा रहे हैं लगातार इनफैक्ट ओवर 34000 ह्यूमन सैंपल्स हैव बीन टेकन एंड 13000

कहां है वो बंदा पता करो दया जो ये जीका वायरस को लेके आया है हालांकि बहुत कॉमन चीज ये है कि जो मच्छर है वो बेसिकली इनफैक्ट मस्कीटो जो है वो कैरी कर रहे होंगे बेसिकली जीका वायरस को लेकिन तब भी उन्होंने किस बंदे का खून छूचा था, था जिसको बेसिकली जीका वायरस पहले से अफेक्ट किया हुआ था बिकॉज बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि इनफैक्ट ये वायरस लाया जा सकता है सो so, The thing is, you know, it is still unclear, and the authorities are still searching for the person who who actually brought this virus into our country. And in fact, while the bite of an infected mosquito is the main route, is the main way, is the highway for Zika virus transmission, but still, you know what? इट कैन ऑल्सो बॉयलॉजिकल ट्रांसमेटेड फ्रॉम एन इनफेक्टेड मैन सो आई होप माइडियर फ्रेंड्स की इतना दिमाग में आपके अच्छे से बैठ गया होगा नाउ इज टाइम फॉर द अल्टीमेट बैटल ऑफ फोर ऑन फोर सो इफ यू गायर रेडी देन वी टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर एंड हेयर इट इज फॉर यू सो वट इज द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज बताइए भाई सुटेबल टाइटल कौन सा है इस पर्टिकुलर पैसेज के लिए यू गा थर्ड इज एगेंस टाइम्स नाव हरियाली 20 seconds left, guys. What's the answer? Quickly, okay. 10 seconds, guys. Quickly. ओके टाइम इज अप मुझे तो देख कर लग रहा है दो तीन मच्छर भी यहां पर है एसपिनस में जो कि जवाब दे रहे हैं एनी वेज सो व्हाट्स द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वेल ऑप्शन वन ए स्प्रेड ऑफ जी का वायरस इन इंडिया वेल लग तो यही रहा है कि ये सबसे ज्यादा सही जवाब हो सकता है बिकॉज यू नो दिस इज द मोस्ट सुटेबल खैर ऑप्शन टू में देखते हैं हाइडिंग दी का वायरस इन इंडिया

दिस इज सी दिस इज दू सब कुछ कुछ जगहों में ऐसी बात की गई थी लेकिन हर जगह ऐसी बात नहीं हुई थी वेल ऑप्शन बट इट वॉज नॉट डॉमिनेंटलीस डॉमिनेंट एज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर वन यू हैव एन गुड जॉब बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर तो वो लोग जो लोग स्टार्टिंग लो से ही लगे रहे हैं ऑप्शन नंबर वन के साथ उन्होंने सही जवाब दिया बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर सो बच के रहे मच्छरों से बच के रहे बिकॉज भाई देखो मच्छर जो है ये मलेरिया डेंगू जीका वायरस सब कुछ फैला सकता है तो इसीलिए इसलिए जरूर बच के रहिएगा सो दैट वॉज ऑल इन दिस सेशन माइ डियर फ्रेंड्स आई होप द मोस्ट ऑफ यू वुड हैव स्कोर अ परफेक्ट फोर ऑन फोर फॉर शो एंड ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड द चैलेंज वेल डन डियर फ्रेंड्स एंड इफ इट्स वॉज नॉट फोर ऑन फोर इवन थ्री ऑन फोर ब्यूटिफुलट अ वेरी स्कोर नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अदर वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स एट अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू ट्यूटोरियल दैट यू मस्ट रिव्यू एंड दे आर Well, questions that won't go away. Now, my dear friends, this is regarding the Kashmir situation, by the way, the Kashmir problem right now. And the next one is a way out for her too. Now this is regarding uh, Muslim women facing lots of problems in our nation because of you know triple talaq and various other things. Then the next one is beyond the language conflict. Well, India needs to have a proper defined rule regarding languages because you know what every state is special in our nation. You know, and every every particular state has got its own culture and it has got in it has got its own language. But that does not mean that it undermines the language of other states.

दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस आर्टिकल आई होप की आप लोगों को यहां पर uh, मजा आ रही होगी एंड यू वुड हैव यू नो यू वु एंजॉयड लॉट एंड यू वुड हैर्न अट फ्रॉम सेशन मेन चीज जो है जो मेन सीख है वो यही है Matro se bachke because that is very important Kyunki saath mein SBI PO mains ka exam hai exam bhi aage So you know one, uh, one mosquito a, In fact any and every mosquito Is very dangerous we just saw what Happened with Zika virus so that was all in this session I hope you had fun thank you my dear Friends always remember that with Adadubo 7 government job is right there in your pocket And yes all those of you who are preparing For SSC we are here With the video package of SSC Videos as well and it can be accessed From e so that was all from this session thank you good night shubh rathi, Shabba shabakhar and matroshabakhar ho thank you go to youtube.com and subscribe to the adda247 channel scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded press the bell button adda247 common job in your pocket